वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल edukia.com। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे क्लास वन का ओलंपियाड मैथ का सेकेंड क्वेश्चन पेपर, सेकेंड प्रोबेबल मॉक टेस्ट। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। एंड ओलंपियाड रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे दिया हुआ नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ओलंपियाड रिगार्डिंग का कुछ भी क्वेरीज है तो 7751004744 ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, क्लास चल रहा है, अगर आपको चाहिए तो स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल कोचिंग, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह की क्वेश्चन पेपर, प्रोबेबल क्वेश्चन पेपर कैसे होते हैं, और यह सेकेंड मॉक टेस्ट का क्वेश्चन, मॉक टेस्ट वन का आंसर हम लोग डिस्कस किए थे, ये है मॉक टेस्ट टू। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, टू स्क्वायर क्या तैयार करते हैं, मेक्स आ, ऑप्शन वन है रेक्टेंगल, ऑप्शन टू है स्क्वायर, ऑप्शन थ्री है हेक्सागन, ऑप्शन डी है सर्कल, देन व्हाट विल बी द राइट आंसर, राइट आंसर विल बी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल दैट इज ऑप्शन ए। ओके, आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, 99 मोर देन 99 इस तरह की साम जो है, इस तरह की क्वेश्चन में क्या करना है, इस तरह की क्वेश्चन जब रहेगा ये पहले वाला और सेकेंड वाला दोनों को ऐड कर देना, 9 + 99 देन 108, दैट विल बी द आंसर, आंसर विल बी बी। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, व्हिच वन इज इनकरेक्ट, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट ये आपको देखना है। ऑप्शन ए क्या है, 19 + 10 दैट इज 29, 12 + 42 दैट इज 54, 11 + 23 दैट इज 33, 10 + 11 दैट इज 21। इनमें से ऑप्शन सी जो है 11 + 23 कितना होते हैं 34, ऑप्शन क्या दिया हुआ है 33, तो ये जो है ये इनकरेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टुडे इज संडे द डे आफ्टर टुमारो नेक्स्ट डे क्या होगा मंडे, उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होगा ट्यूजडे, आंसर विल बी ट्यूजडे। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डैश कम्स बिटवीन 66 एंड 68। आप लोग LKG UKG में ही बिफोर आफ्टर बिटवीन वाला चैप्टर कर लिए हैं तो ये आपका बच्चे के लिए बहुत ही ईजी होगा, 66 एंड 68, बीच में क्या होगा 67, बिटवीन में क्या आएगा 67। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हिच एक्टिविटी कैन बी डन इन वन मिनट, ठीक है, Which activity can be done in one minute? एक मिनट में ये चार ऑप्शन जो दिया हुआ है इनमें से कौन सा काम हो सकते हैं। ऑप्शन वन क्या है, गोइंग टू स्कूल, रनिंग 1 किलोमीटर, ड्रिंकिंग वाटर और टेकिंग बाथ। इनमें से एक मिनट में होने वाला काम ओनली ड्रिंकिंग वाटर, एक ग्लास पानी वो पी सकते हैं वो भी विद इन वन मिनट, तो आंसर विल बी ड्रिंकिंग वाटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सुमोना हैज 7 फ्लावर्स, रुस्का हैज 19 मोर देन सुमोना, हाउ मेनी फ्लावर्स डू दे बोथ हैव ऑल टुगेदर। इस तरह की क्वेश्चन आपको अचीवर सेक्शन में मिल सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सुमोना के पास कितना है 7, रुस्का के पास क्या है 19 मोर देन सुमोना। सुमोना के पास जो है वो तो है ही, बच्चे नॉर्मली क्या कर लेगा 19 + 7 जो है इसको ऐड कर देगा, लेकिन ऐसे नहीं है, इसमें करना क्या है, रुस्का के पास टोटल कितना है 19 + 7, सुमोना के पास भी 7 है, तो क्वेश्चन यही दिया हुआ है, हाउ मेनी फ्लावर्स डू दे बोथ हैव ऑल टुगेदर, दोनों को मिला के कितना है, दैट इज 19 + 7 + 7 दैट इज 33, दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जॉन हैड 27 पेंस, ही गेव 19 टू हर ब्रदर। क्या करना है, आप लोगों को जब टू डिजिट वाला सब्ट्रैक्शन का क्लास में किए थे तो दिखाया था कैसे इसको सॉल्व करना है, वेरी सिंपल, तो 27 - 19 आंसर विल बी 8 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक फिगर दे दिए हैं, इन दिस फिगर नंबर ऑफ सर्कल मोर देन द ट्रायंगल आर एक्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स।
तो इस तरह की ज्योमेट्रिकल फिगर आप अगर प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन उठा लेंगे तो एक ना एक आपको जरूर मिलेगा। और ये थोड़ा माइन्यूटली बच्चे को करना है क्योंकि क्वेश्चन होता है इजी बट टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। मिस्टेक होने का चांस 99% है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ सर्कल मोर देन द ट्रायंगल। तो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करना है ना, सबसे पहले जो है ये सर्कल को काउंट करेंगे हम, उसके बाद ट्रायंगल को काउंट करेंगे और उन ये दोनों का डिफरेंस जो है दैट विल बी द आंसर, ठीक। 1, 2, 3 और ये टोटल मिलाकर एक है, ठीक है। ये टोटल मिलाकर एक है, 1, 2, 3 और टोटल मिलाकर एक है 4, ये इधर एक है 5, है ना। तो क्या कितना आ गया है सर्कल, कितना है 1, 2, 3, 4, 5 हो सॉरी, ये और भी एक है। तो सर्कल आपका आ जाएगा 6 और ट्रायंगल जो है ये है 5। तो कितना मोर है, इन लोगों का डिफरेंस कितना है, वैल्यू ऑफ एक्स कितना होगा इन लोगों का डिफरेंस, दैट इज 6 माइनस 5, दैट इज 1 विल बी द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह की क्वेश्चन आप एक ना एक अचीवर सेक्शन में कंफर्म मिलेगा। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग, बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। देख आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज प्रेजेंट इन द गिवन सर्कल। मतलब ये सर्कल के अंदर कुछ नंबर लिखे हुए हैं और ऑप्शन ए बी सी डी चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इनमें से कौन सा आंसर होगा, 91 माइनस 5 टेंस मतलब 50, आंसर होगा 41। 41 इधर प्रेजेंट है नहीं, 18 एंड 20 38 प्रेजेंट है नहीं, 8 टेंस माइनस 4 वंस मतलब 80, 4 वंस मतलब 4, दैट इज 76 है, हाँ 76 है। 90 वंस एंड 8 वंस मतलब 90 माइनस 80, व्हाट विल बी द आंसर, 82। क्या यह है, नहीं, तो 76 ये इसके अंदर प्रेजेंट है, सो 76 विल बी द राइट आंसर, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच नंबर विल कंप्लीट द गिवन पैटर्न। इधर पैटर्न दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7, 14, 21, 28, 35। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ओनली 7 का टेबल्स दिया हुआ है, 7 का स्किप काउंटिंग किया है, ठीक है। तो 28 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28, तो 7 5 35, तो एक्चुअली ये नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 35 विल बी द राइट आंसर। ओके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये है कॉर्डिनल नंबर एडेलियन नंबर के ऊपर, स्माइली डैश इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। इधर कुछ स्माइली दिया हुआ है, इधर देखिए इस तरह क्वेश्चन जो है इधर राइट लिख दिया है, हम लेफ्ट नहीं है। आपको करना क्या है कि स्माइली डैश थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, आपको राइट, अगर ये राइट है तो लेफ्ट कौन सा है, ये लेफ्ट है, तो थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आंसर विल बी जी, दैट इज ऑप्शन सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जूहर्स एनिवर्सरी फॉल्स ऑन सेकेंड थर्सडे ऑफ फेब्रुआरी 2021, सेकेंड थर्सडे, तो ऑन व्हिच डेट इज हिज बर्थडे, सॉरी एनिवर्सरी कब है, कब बोला है, सेकेंड थर्सडे ऑफ फेब्रुआरी फर्स्ट सेकेंड, 4 है, 11 है, 18 है, 25 है, तो सेकेंड कौन सा है, 11, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स रिप्रेजेंटेड बाय एस इन द गिवन फिगर। इधर एस जो है ये कौन सा फिगर है, कौन सा इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल, वेरी गुड, ट्रायंगल, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश ग्रुप्स ऑफ 4 फ्लावर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन फ्लावर्स। आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन किया था, मल्टीप्लिकेशन के करने के टाइम आप लोगों को ग्रुप्स वाला याद है आई होप। तो इसमें क्या करना है, टोटल जितना है इसको 4 फ्लावर में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
वन टू थ्री फोर, तो कितना ग्रुप में इसको डिवाइड कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो व्हाट विल बी द आंसर, सिक्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ कैट इज इक्वल टू डेट डी ए टी तो डॉग इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, कैसे हुआ है, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक कुछ नहीं है, ओनली सी जो है इसके साथ वन ऐड हुआ है और ए जो है बैठ गया है इधर, टी इधर बैठ गया है, ठीक है, तो डी ओ जी इसको क्या आएगा, डी के साथ वन ऐड करने से नेक्स्ट नेक्स्ट इसका जो लेटर है क्या होते हैं, डी ई ई आते हैं, ओ जैसा है ऐसे बैठ जाएगा, जी जैसा है ऐसे बैठ जाएगा, ई ओ जी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले हैं थोड़ा देख लेते हैं, कैट डैश इज बिटवीन यू एंड एन, यू एंड एन कैट जो है उसका बीच में बिटवीन में क्या है, ये है यू ये है एन, यू एंड एन का बीच में मिडिल में क्या है, कैट एम, आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी इज शोन बिलो, कितना कितना है, फाइव प्लस ट्वेंटी, फाइव का कॉइन है, ट्वेंटी रुपीज है और है फिफ्टी और फाइव, तो टोटल क्या आएगा, फाइव प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव कितना, सॉरी ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टी कितना आएगा, सेवेंटी फाइव एंड फाइव, दैट इज एट्टी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग ग्रेटर देन स्मॉलर देन इज इक्वल टू ये सब किए हैं, ये उसी को लिखना है कि 55 प्लस 27 ये इधर ग्रेटर देन होगा या स्मॉलर देन होगा कि इक्वल टू होगा, वही देखना है। और क्या है, 50 प्लस 25, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 55 प्लस 27 क्या आते हैं, 82 और ये है 75, अभी क्या होगा, 82 ये ग्रेटर देन 75 ये एरर होगा, मतलब कि ऑप्शन ई, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली ऑल टुगेदर, इस तरह की क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 3, 4, मोर देन 4, नन ऑफ दिस, तो अगर जो होगा, फिलहाल हमारा फैमिली में चार है तो चार आंसर है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये है गिविंग पैटर्न जो है, इसको पहले भी हम लोग सॉल्व किए थे, क्या दिया हुआ है, हार्ट 4, 8 हार्ट, ठीक है, ये इसका सीक्वेंस कुछ इस तरह है, हार्ट 4, 8 हार्ट, तो फिर से दिया हुआ है हार्ट 4, 8 फिर क्या होगा, हार्ट 4, 8 हार्ट, तो हार्ट 4, 8 फिर से क्या होगा, हार्ट होगा, तो दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्लास वन ओलंपियाड का क्लासेस चल रहा है मैथ का, अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है और कोचिंग लेना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9777510044 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लासेस चल रहा है, क्लासेस सैटरडे संडे चलते हैं, हम लोग बहुत कुछ आगे कर लिए हैं, देखते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप इस कोचिंग ये नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट की तरफ, वी टेक आवर डिनर एट किस टाइम में, डिनर जो है किस टाइम लिया जाते हैं, नून मॉर्निंग नाइट इवनिंग, व्हाट विल बी द राइट आंसर, राइट आंसर विल बी नाइट। इफ काउ इज रिलेटेड टू कफ, काउ इज रिलेटेड टू कफ, इसका रिलेशन क्या है, ये एनिमल है और एनिमल जो है इसका बेबी है कफ, काउ का बेबी को क्या बोलते हैं, कफ। ऐसे ही लायन इज रिलेटेड टू, लायन का बेबी को हम क्या बोलेंगे, यस वेरी गुड, कब, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस तरह क्वेश्चन को एनालॉजी बोलते हैं, एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मैथ में भी इंपॉर्टेंट है, साइंस में भी इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश में भी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। एनिमल रिगार्डिंग चार टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे इंग्लिश का क्लास वाला जो है उसमें हम नोट्स भी मटेरियल भी दिए थे कि एनिमल विद देयर हैबिट, एनिमल विद देयर होम्स, एनिमल विद देयर क्राइज, एनिमल विद देयर बेबीज एंड एनिमल एंड देयर ग्रुप्स। ठीक है, ये चार टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 4 to 5 क्वेश्चन विल बी आस्क। ओके ठीक है, आइए देखते हैं। व्हिच इज रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग LKG UKG का क्लास में कर लिए हैं। असेंडिंग मतलब स्मॉल टू बिग, ठीक है, स्मॉल टू बिग। आपको इधर कुछ दिया हुआ है, नंबर 25, 47, 36, 55। अगर इसी इधर 14 भी है, सॉरी 14। तो इस नंबर को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो कैसे लिखना है इसको, सबसे पहले आ जाएगा 14, उसके बाद 25, उसके बाद 36, उसके बाद 47 एंड लास्ट में आ जाएगा 55। ठीक है, और वही अगर डिसेंडिंग में आ जाएगा तो 55, 47, 36, 25 एंड 14। ओके, देन आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह की सॉल्व आप लोग मॉक टेस्ट 1 में भी किए हैं कि एक पेंसिल प्लस मैचस्टिक प्लस बिल्ली इज इक्वल टू 63। मैचस्टिक एंड पेंसिल इसका है 42, तो उधर से क्या करना है, और एक क्या बोल दिया है, हाँ पेंसिल प्लस बिल्ली कैट उसका वैल्यू है 42। तो नॉर्मल इधर हम लगा लेते हैं कि पेंसिल आपको करना क्या है, मैचस्टिक प्लस मैचस्टिक प्लस मैचस्टिक का वैल्यू कितना है, पेंसिल प्लस मैचस्टिक प्लस बिल्ली तीनों का वैल्यू अगर 63 है तो इधर से हम बिल्ली का वैल्यू निकल और पेंसिल और मैचस्टिक का वैल्यू अगर 42 है तो इधर से हम बिल्ली का वैल्यू निकल सकते हैं। बिल्ली का वैल्यू क्या आ जाएगा, 63 माइनस 42। हम लोग किए थे क्लास में x का वैल्यू वाला जो है, इसका x का वैल्यू पकड़ लेते हैं कितना आ जाएगा, बिल्ली का वैल्यू तब आ जाएगा 21, है ना, बिल्ली का वैल्यू आ गया हमारा 21। तो इधर क्या दिया हुआ है, पेंसिल एंड बिल्ली, पेंसिल का एंड बिल्ली का वैल्यू अगर है 42 तो पेंसिल का वैल्यू भी आ जाएगा 21, है ना, और मैचस्टिक का वैल्यू कितना आएगा, मैचस्टिक का वैल्यू भी आ जाएगा 63 माइनस 42, दैट इज 21। अभी करना क्या है, करना क्या है, तीन मैचस्टिक जो है इसका एडिशन 21 प्लस 21 प्लस 21, दैट इज 63। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके ओके, वेरी गुड, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 27 नंबर, कि अन्ना हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेलून, सी हैड 8 रेड बेलून्स मोर देन ग्रीन। रेड बेलून कितना है ना, ग्रीन जितना है उतना तो है, प्लस 8। सी हैड 7 मोर बेलून्स, सी हैड 7 ब्लू बेलून्स मोर देन ग्रीन बेलून्स। ब्लू कितना है, ग्रीन जितना है, उसके साथ क्या है, 7 मोर बेलून है। If she had 6 green balloon, तो आ गया green का वैल्यू हमको मिल गया ना, 6 green balloon है, green balloon कितना है, 6। तो बोले कि then total how many balloons does she have, 6 plus 8 plus 6 plus 7 balloon। ओ अच्छा, green भी लिखना है, green भी हमारा कितना है, 6 green balloon है, तो total आ जाएगा 33। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग है, ये अचीवर सेक्शन में पूछता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि फाइंड द मिसिंग डिजिट ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द गिवन एडिशन एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। क्या दिया हुआ है, एक्स
एंड वाई, फाइव एंड थ्री प्लस किए है, वैल्यू कितना है एट एंड फाइव, करना क्या है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, इसका वैल्यू आपको निकालना है। इधर थ्री है, आंसर आया है फाइव, तो वाई के जगह में क्या आएगा, वाई का वैल्यू आएगा टू, थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव, फाइव प्लस एक्स इज इक्वल टू एट, तो एट का वैल्यू आ जाएगा थ्री, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा थ्री प्लस टू प्लस थ्री, दैट इज एट। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको 70% 80% मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन वो आपको गारंटेड नहीं देगा कि मेडल, ठीक है, ओनली पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जो होते हैं उसी से आपको सेटिस्फाई होना है। इस तरह की क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको मेडल मिलने का चांसेस है, ठीक है। आपको नॉर्मल प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से आपको एक ओनली जनरल आइडिया मिलेगा कि किस तरह की क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये एक तरफ का रीडिल है, इट्स अ टू डिजिट नंबर, ओके, इट्स अ टू डिजिट नंबर एक्स एंड वाई, द सम ऑफ द टू डिजिट इज एट, इट लाइज बिटवीन 50 एंड 60। इस तरह की क्वेश्चन जब देगा तो सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि आप ऑप्शन देखकर ये आंसर करें। ऑप्शन क्या है 44 52 62 53, क्या बोले टू डिजिट नंबर, ये सभी जो नंबर है सभी टू डिजिट नंबर है, नो प्रॉब्लम। क्या बोले द सम ऑफ इट्स टू डिजिट इज 8, तो इनमें से कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये नहीं होगा, मतलब कि ये नहीं होगा, ये तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, इट लाइज बिटवीन 50 एंड 60, ये नंबर क्या है 44, 50 एंड 60 के अंदर है, नहीं है, ये है 62, ये 50 एंड 60 के अंदर है, नहीं है, 53 ये 50 एंड 60 के अंदर है, यस ये है, तो इट विल बी द राइट आंसर, दैट इज 53। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मैक्सिमम वैल्यू, 91 वन्स माइनस 5 टेंस, दैट इज 41, 18 वन्स प्लस 20, दैट इज 38, 84 टेंस माइनस 4, दैट इज 80, 4 टेंस माइनस 2 वन्स, दैट इज 38। सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, किस सबसे ज्यादा वैल्यू 8 टेंस जो है, ये वाला ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।